नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ में बहुत सड़क दुर्घटना होती जा रही है। परिवहन विभाग भी चिंतित में है और राज्य के मुख्यमंत्री भी चिंतित में हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी चिंतन शिविर लोकसभा चुनाव में भी चल चुकी है। अभी वर्तमान समय लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है। अब वर्तमान समय में जो देखा जाए, सड़कों में पिकअप गाड़ियों में यात्री वाहन को लेकर जाते हैं और एक दुर्घटना होती है तो सबसे बड़ी परेशानी का सबक परिवहन विभाग के ऊपर पूरा दोष मढ़क देते हैं नेता लोग। इस घटना को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने कुछ ऐसे नियम निकाले हैं। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के अपर आयुक्त डी रविशंकर साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ तक में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखा जाए सड़कों में पिकअप वाहन में यात्री वाहन को लेकर जाते हैं और घटना हो जाती है, शासन प्रशासन के ऊपर दोष मढ़ते, क्या बताएं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि ट्रेडिशनली जो है गांव देहातों में जहां पे कि बसें नहीं चलती हैं और परिवहन की दूसरी सुविधाएं नहीं हैं, जनमानस त्योहारों के समय, उत्सवों के समय या घर के पारिवारिक किसी कार्यक्रमों में और या फिर ऐसे जैसे कोई उनकी कमर्शियल ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करने के लिए पिकअप्स में भर के लोग जाते हैं, ट्रैक्टर में भर के जाते हैं और उससे अगर दुर्घटना कारित हो जाती है तो बहुत बड़ी क्षति होती है। ये हमारे लिए चैलेंज है जैसा मैंने कहा, और इस चैलेंज को दूर करने के दो तरीके हैं। पहला है जनमानस में इस बात को सुनिश्चित करना कि सेफ ट्रैवल करना बहुत आवश्यक है, और दूसरा ये कि हमको उनको एक अल्टरनेटिव रास्ता दिखाना होगा। अल्टरनेटिव रास्ता मतलब उन इलाकों में कम किरायों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, और इसके लिए अभी छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग प्रतिबद्ध है और हमारी प्लानिंग चल रही है कि दूरस्थ इलाकों में जहां पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है या पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं उन क्षेत्रों में भी हम बस चलाने जा रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, द लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, कि हर अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचना चाहते हैं ताकि उसको सेफ, सिक्योर, आराम से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की उसको व्यवस्था मिल सके। सर, आप बता रहे हैं कि नक्सल क्षेत्र में हम बसें चलाएंगे तो वहाँ सुरक्षा किस हिसाब से देंगे आप? वे क्षेत्र जो पूर्व में नक्सल संवेदनशील रहे हैं और वर्तमान में मुक्त हैं, नक्सल आतंक से मुक्त हैं, ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे मार्गों को चिन्हांकित कर उन मार्गों पे हम लोग आवागमन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले देखा गया कि छत्तीसगढ़ के जो कवर्धा जिले में पिकअप वाहन खाई में गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई थी और दुर्ग जिले में भी एक बस, निजी फैक्ट्री की बस खाई में गिरने से उसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और गाड़ियां बहुत पुरानी हो जाती है, इसमें क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अगर स्कूल बस है तो उसकी मियाद 10 साल की होती है, 10 साल के बाद में ऑटोमेटिकली वो ऑफ रोड कर दिया जाता है, और अगर बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं उनका फिटनेस लगातार हर साल मैंडेटरी ये किया जाता है, और हमारा ये कमिटमेंट है, हमारी ये प्रतिबद्धता है कि बगैर फिटनेस की गाड़ियों को सड़क पे चलने ना दे, और हम ऐसा ही करते हैं। एनफोर्समेंट बहुत सख्ती से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ताकि किसी भी हालत में जो पुरानी है, कंडम है, जो सड़कों पे प्लाई नहीं करनी चाहिए, जिनको नहीं चलनी चाहिए, वो किसी हालत में ना चलें। सर, अधिकतर देखा जाता है पुरानी बसें, पुरानी ट्रकें, गाड़ियाँ रोड में चलती है, परिवहन विभाग के अधिकारी क्या व्यवस्था कर रहे हैं उनको रोकने का, कि ऐसा कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं? भाई, बहुत सख्ती से कार्रवाइयाँ करते हैं, हज़ारों की तादाद में चालान कटते हैं, करोड़ों का राजस्व जो है हम शासन को देते हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जो फिट गाड़ियाँ नहीं हैं वो सड़क पर किसी हालत में ना चले, क्योंकि उससे दुर्घटना कारित होती है और लोगों को जान माल का नुकसान होता है। कुछ दिन में अब स्कूल चालू हो जाएगी, पूरी निजी स्कूल में जो बसें चलती है बच्चों को लाना ले जाने का काम करती है, कई बसें पुरानी रहती हैं और ड्राइवर नशे की हालत में भी गाड़ी चलाता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको ये बता के मुझे हर्ष हो रहा है कि हर स्कूल बस का हम लोगों ने चेकिंग की है, चूँकि अभी वेकेशंस चल रहे हैं और इसका इस्तेमाल करके सारे RTOs को निर्देशित किया गया था कि हर स्कूल बस, स्कूल का हो या कॉलेज का हो, उन बसों को चेक किया जाए और जो ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनका मेडिकल फिटनेस कराया जाता है, तो मेडिकल फिटनेस जिनका है उनको चेक किया गया और जिनका नहीं है तो अथॉरिटीज़ को हमने बोला है कि उनका मेडिकल कराएं और फिटनेस के साथ में ही जो है गाड़ी चलाने दें। सर, अधिकतर देखा जाता है कि अधिकतर युवा वर्ग महंगी गाड़ियां लेता है, टू व्हीलर गाड़ी चलाते हैं सड़कें में, हेलमेट नहीं पहनते हैं, और अधिकतर कार में देखा जाता है कि सीट बेल्ट नहीं पहनते, नशे की हालत में गाड़ी चलते देर रात को, बहुत बड़ी घटना होती है जिसमें जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है, इस बारे में आप?
देखिए, जब आप छोटी से छोटी अगर टू व्हीलर भी लेते हैं तो 50,000 से कम का तो नहीं आता, और हेलमेट बामुश्किल 2,000 का आता है, जो ISI प्रमाणित है, उस हेलमेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप एक छोटा सा सुरक्षा का उपाय जो आपके जीवन को बचा सकता है, उसका लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते, समझ से परे है। डिसिप्लिन आंतरिक तौर से आना होगा, लड़के हैं बच्चे हैं तो माँ बाप को सुनिश्चित करना होगा कि जो 16 साल से ऊपर है घर से अगर गाड़ी लेके निकल रहा है, और 18 साल से ऊपर है अगर 50cc से ऊपर की गाड़ी चला रहा है, तो आवश्यक तौर पे वो हेलमेट लगाए, उसके पास लाइसेंस हो, उसके पास वो इंश्योरेंस हो। नियमों का पालन करना सबसे आसान है, और सबसे ज़्यादा लोग नियमों का पालन करना नहीं चाहते, शिक्षाचारिता चाहते हैं, खासतौर से युवा वर्ग। हीरोइज़्म किसी काम का नहीं है। हाथ पैर टूट गया, ख़त्म हो गए, घर वाले परेशान हैं, क्या मतलब है इसका। हीरोइज़्म तो वो है जब आप अपने आप को मुसीबत में डाल के देश की रक्षा कर रहे हो। आप तो ज़बरदस्ती खुद ही यहाँ पे अनाप शनाप गाड़ियाँ चला के मुसीबत में खुद फंस रहे हो, 4 लोगों को और मुसीबत में डाल रहे हो। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। आपका जीवन कीमती है, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, और आप ऐसा काम करें जिससे लोगों के मन में एक मैसेज जाए कि देखो ये लड़का है जो नियमों का पालन करता है, दूसरों को प्रेरणा देता है। सर, अभी देखा जा रहा है कि 11 जून से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो अंतर्राज्यीय बस चलती है, उड़ीसा में जब हमारे छत्तीसगढ़ बस जाती है तो सवारी को उतारा जाता है वहाँ के बस मालिकों के द्वारा, एक परेशानी आ रही है यात्रियों को छत्तीसगढ़ की, इस बारे में आपका क्या कहना? इस बारे में कुछ बस ऑपरेटर्स ने कंप्लेंट की है, कमिश्नर साहब के पास में भी कंप्लेंट की है, और कमिश्नर साहब ने वो सारे लोगों के साथ में एक बैठक भी की, और रिस्पेक्टिव जो ऑफिसर्स हैं उड़ीसा में, जो कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरी, उनसे चर्चा चल रही है। इस बात को हम लोग टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट किसी बारे में है, रूट अगर निर्धारित है, तो उस रूट पे चलने देना वो दोनों राज्यों की प्रतिबद्धता है। उसमें किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो संबंधित राज्यों को देखना चाहिए कि आवागमन सुचारू रूप से चले और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। छत्तीसगढ़ के अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर साहब ने कहा कि कोई भी टू व्हीलर जब गाड़ी चलाता है तो हेलमेट पहन के चलाएं, अपनी जान की रक्षा के साथ साथ परिवार की भी रक्षा करेगा, और कोई भी अगर फोर व्हीलर सीट बेल्ट पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम चाहते हैं कि अभी जब स्कूल चालू हो जाएगा तो सभी स्कूल बसों का हम प्रमाणीकरण कर चुके हैं, और उनका मेडिकल टेस्ट जो सवारी जो स्कूल बसों के बच्चों के जब ड्राइवर जो चलाएंगे उनका मेडिकल फिटनेस कर चुके हैं। परिवहन विभाग चाहता है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम दुर्घटना हो और सभी यात्री सुरक्षित यात्रा करें, ये इनका एक पहल है। सरकार की बात को आम पब्लिक कितनी मानती है ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक दुर्ग।